जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने जिस राहुल वोला को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सनसनीखेज जानकारी दी है। रीता नाम की इस महिला का आरोप है कि शादी से पहले उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस पूरे मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल वोला और रीता दोनों मुखबिर हैं और दोनों पढ़ाई करने के लिए नोएडा डेफ सोसाइटी जाते थे। राहुल वोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की रहने वाली रीता चूंकि मूक बधिर है, इसलिए उसने न्यूज 18 इंडिया के हर सवाल का जवाब संकेतों में या फिर लिख कर दिया। रीता का दावा है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खदीजा रख दिया गया। रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर उसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। रीता का जहाँ धर्म परिवर्तन हुआ उसे बताने के लिए वो वहाँ का सर्टिफिकेट भी दिखाती है। इनसे इनका नाम पूछिए अब और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा लिख रही, रीटा लिखा था, फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही है डियर सर रीटा है मेरा नाम रीटा। रीटा भले ही अपना नाम पहले वाला बता रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन वाले सर्टिफिकेट में उनका नाम खदीजा दर्ज है। अब रीता का दावा है कि ब्रेन वॉश किए जाने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बदला था। रीता ने कागज पर अपने नए नाम को लिखकर काट दिया और दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे जबरन नाम बदलने को मजबूर किया। जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तो इनका नाम क्या है, तो लिख रहे हैं रीटा, और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहाँ लिखा हुआ है, तो इनका कहना है कि खादी जहाँ जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है, जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है। जाहिर है रीता अवैध धर्मांतरण के पीछे गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जांच एजेंसियों को रीता की जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था और मौलाना से बहुत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि जो लोग राहुल वोला को अहमद बनाने के पीछे थे, वही लोग रीता के जबरन धर्म परिवर्तन के भी पीछे हैं। इससे पहले राहुल वोला की मां ने भी दावा किया था कि शादी करने से पहले उनका बेटा रीता के संपर्क में था और धर्म परिवर्तन कर घर छोड़ने के बाद उसने शादी कर ली थी। शादी के बाद हमने खुद रीटा नाम की लड़की जो कि नजफगढ़ में रहती है, वो भी बोलती सुनती नहीं है, उसके साथ हम इसका रिश्ता तय हुआ, क्योंकि ये एक स्कूल में पढ़ते थे, प्यार करते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी इस बात से। हम कहते थे कोई बात नहीं, वो भी बोलती सुनती नहीं है, ये भी बोलती सुनती नहीं है, मगर इन्होंने आपस में मिल के हमें नहीं पता क्या किया। इनके हर समय मैसेज आते थे, रीटा के, इसके, दोनों के हर समय मैसेज आते थे, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर बताया गया कि पढ़ाई लिखाई के दौरान 2009 से ही रीता का व्यवहार बदलने लगा था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में जाने के बाद तो इसमें जो बदलाव आया उससे घर के लोग हक्के बक्के रह गए। 2009 से इसने स्टार्ट हुए इन्फ्लुएंस होना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह, स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों से मिली है, वहाँ पे इसने बताया कि उनसे ही ये इन्फ्लुएंस हुई थी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कब उधर जाती रही हमें पता नहीं लगा, और ये एनडीएस ये 2016 में गई थी एनडीएस में, और वहाँ पे जाने के बाद ये मतलब वहाँ जाते थे क्लासेस लेने के लिए, तो ये कभी ये जैसे मतलब इसका जो क्लास टाइमिंग होता था ना उससे एक दो घंटा या मतलब ज़्यादातर लेट ही आती थी। जिस नोएडा डेफ सोसाइटी में राहुल वोला के अहमद बनने का सफर पूरा हुआ, वहीं रीता का मन मिजाज भी पूरी तरह बदल गया। बताया गया कि घर में उसने चोरी छुपे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पकड़े जाने पर ऐसा करने की जिद पर अड़ गई। स्कूल में सुबह जैसे इस कमरे में आके ये चेंज करती थी, तो ये चेंज करती तो मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने खिड़की से देखा मम्मी कि ये बैठ एक चेंज इसके कपड़े एक साइड पड़े हुए हैं स्कूल के, और ये आराम से बैठ के एक इस कोने में ये बैठ के कुछ कर रही है, तो मम्मी ने मेरे को बोला तू एक बार देख, तो मैंने उस खिड़की से ना इसको देखा तो ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी, तो ये नमाज़ पढ़ रही थी, और इसको हमने पूछा कि तू ऐसे नमाज़ क्यों पढ़ रही है, तेरे को कहाँ से हुआ, तो ये फिर मतलब कोई जवाब नहीं देती थी, तो फिर ये ऐसी है तो आप मतलब बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, तो इसको हम फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। ये नहीं मान रही थी, कहनी यही धर्म अच्छा है, हमने बहुत किया ऐसे, हमारा धर्म जो है यही अच्छा है, ये कह रही थी नहीं ये धर्म ठीक नहीं है, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। रीता और राहुल वोला की कहानी में बहुत कुछ समानता है,
दोनों एक ही जगह जाते थे। दोनों ने धर्म बदलने के बाद शादी कर ली। दोनों ने शादी से पहले घर छोड़ दिया। रीता के पति राहुल भोला पर अहमद बनने के बाद अवैध धर्मांतरण गिरोह में शामिल होने का आरोप। राहुल भोला जांच एजेंसियों के शिकंजे में है और जांच एजेंसियों को राहुल भोला से कई सुराग मिले हैं। रीता ने जबरन धन परिवर्तन का आरोप लगाकर इस पूरे मामले में बड़ी साजिश होने का दावा किया है, लेकिन रीता दूसरी तरफ अपने पति को बेगुनाह भी बता रही है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी इस पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाना मुश्किल है।